माय न्यू लॉक हिंदी लगाएंगे। उससे पहले अभी हमने क्या किया, पोहे बनाए, तो उससे पहले मैंने चल सोचा चलो पोहे खा लेते हैं, फिर लगाएंगे मेहंदी, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अभी सब पोहे खा रहे हैं, सब धान में लगे हैं। क्या बेटी चेरू, हाय हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, एक बार करो किट राधा देखो, गुड मॉर्निंग, ये मेरी दीदी, दीदी के तीन बच्चे देखो, यशु गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग कर, हाँ। और ये देखिए पोहे जो हमने बनाए हैं और अब खा रहे हैं, अब भी आ जाओ पोहे खा लो। तो बस ये खा लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लगाएंगे बालों में मेहंदी। मेहंदी लगाने से पहले मैं बाल वॉश भी करूँगी एक बार, क्योंकि कल मैंने तेल डाला था, तो वॉश करके सुखाने के बाद मिलते हैं आपसे। और अभी टाइम देखिए क्या हो रहा है, 9:20। तो ये रही वो मेहंदी जो मैंने रात को ही भिगोई थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा सुबह पानी, मतलब नॉर्मल पानी मिला के इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि ठीक हो गई थी रात में। और यहाँ मैंने इसको हाथ से मिक्स कर दिया था, और यहाँ लगा रही है मतलब दीदी, दीदी लगा रही है मेहंदी मेरे बालों में, लेकिन इसको आता नहीं, तो मैं समझा रही हूँ कि बीच में से थोड़े थोड़े बाल लेके ऐसे जुड़ा, मतलब बाल लेके मेहंदी लगा के जुड़ा करके छोड़ना है, थोड़े थोड़े बाल लेके बस उसमें मेहंदी लगा के और एक दूसरे के ऊपर उसको छोड़ना है। लेकिन उसको कभी लगा ही नहीं मेहंदी, तो उसको आ नहीं रही, तो वो मना कर रही है। लेकिन अभी छोटी क्या है हमारी, नहाने गई है, बाकी मेरे वो ही लगा देती। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे आज दिन में 2 बजे जाना है वहाँ, जहाँ शादी दुल्हन ने पार्लर पर कोई मतलब फेशियल वेशल नहीं कराया था वहाँ, तो मैंने सोचा चलो मैं ही जल्दी जाके उसके चेहरे पर थोड़े से हेयर है तो उसको मतलब वैक्स कर दूँगी, और हेयर कट भी करने हैं, मतलब बालों की कटिंग भी करनी है, तो इसीलिए मुझे आज वहाँ जल्दी जाना है, और जल्दी जल्दी में मेहंदी लगा के सुखाने के बाद धो के भी जाना है। तो फिर यहाँ छोटी आ गई थी हमारी नहा धोवा के, तो फिर उसको नहीं आ रहा था, मतलब दीदी को नहीं आ रहा था मेहंदी लगाना, तो फिर छोटी ने लगाना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए बीच में से बाल लेना है, उनमें से बस मेहंदी लगा के, और फिर साइडों में से लेना है, एक बार इधर से लेना है, और उनमें अच्छे से मेहंदी लगाओ, भर भर के मेहंदी लगाओ, क्योंकि ये नुकसान तो करती नहीं है, अच्छी मेहंदी है और इससे बाल भी सिल्की रहते हैं, तो इसको अच्छे से लगाना है। और एक बार इधर से लगा के उसमें मतलब जूड़े में बनाते जाओ, लगाते जाओ, फिर इधर से लेते जाओ, तो इसी तरीके से मैंने मेहंदी लगाई, मैंने लगा ली है मेहंदी, दिख रही है, और थोड़ी सी और हाँ क्या बोल रही है, अब इसके लगानी है मेहंदी, तो इसने अभी बाल धोए हैं छोटी के, और टाइम देखो 10:30 बज गए हैं, ये देखो टाइम, और हमें 2 बजे यहाँ से निकलना है, तो मतलब ये कब सूखे मेहंदी और कब हम जाएं, बस ये मेहंदी सूख जाए फिर धो के निकलना है हमें 2 बजे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम है आज, बस ये सूख जाए जल्दी। आधी मेरी बहन ने लग गई, आधी मेरी छोटी बहन ने लग गई है, और हम बन गए मोटे मोटे, ये देखो हमने धो दी है, अभी बाल मैंने नहीं दिखाए है, लेकिन बहुत पहले मैं घड़ी ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि मुझे रात में पहननी है ये घड़ी, तो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए हैं, और अब निकलने वाले हैं, 2 बजे का जाने का था लेकिन 2:30 बज गए हैं, बस अब चाय बन रही है, चाय पी के ही निकलने वाले हैं, वहाँ हल्दी फंक्शन है, तो उसको पहले दुल्हन के यहाँ पर वैक्स है, मतलब बाल है, तो उसकी थोड़ी हेयर कटिंग भी है, इसी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, इसके बाल दिखाती हूँ सिल्की। ये देखो हमारी चाय बन रही है, यहाँ सिल्की हुए, ये देखो हाल बनाया नहीं बाल इसने, अभी बाल बनाया ही नहीं है, बस ये देखिए हमारा बैग रेडी हो गया है, इसमें मैं एक 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 ड्रेस लिया हल्दी फंक्शन पहनने के लिए, जो नाइट में हम पहनेंगे, तो बस वहाँ जाके उसका थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है, फिर वहीं जाके थोड़ा बहुत शूट करेंगे, थोड़ा बहुत क्या मतलब उसका मेकअप है, फिर हल्दी फंक्शन है। चलिए अब चलते हैं चाय वाय पीने के बाद, डायरेक्ट हम आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे के लिए वेट करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये मैंने घड़ी में सेल डलवाया है, घड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, तो देखिए इसमें भी 2:45 हो रहा है, ये देखिए पता नहीं कैसे दिख रही होगी। हमारा बैग रेडी हो गया है, इसमें सारे मेकअप के सामान हैं जो कि मुझे यूज़ करने हैं, ये देखो ये देखो, और ये बच्चे दोनों यहीं सोए हैं, इनको नहीं ले जाएंगे,
और यहाँ चल रही है कथा। हम कितना भी जल्दी करो लेकिन लेट हो ही जाता है। तो मेहंदी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर भी हमने हेयर वॉश करके पहुँच गए हैं हम यहाँ शादी वाले घर। और यहाँ के मुझे लग रहा था जो जो दुल्हन के करना था वो मैंने कर दिया, मतलब हेयर कट पैक्स चेहरे का, क्योंकि फेशियल कराया नहीं। और जिस दिन मैंने माता जी पूजन का मेकअप किया था तो मुझे लग रहा था कि फेशियल की ज़रूरत है, लेकिन फिर 2-3 दिन ही बचे थे शादी को, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कराया फेशियल तो फिर मैंने वैक्स कर दिया था, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा थे चेहरे पर साइडों में, मतलब फोरहेड पर और कान के यहाँ, तो फिर मैंने इसको वैक्स कर दिया था। के बाद में मेकअप चालू कर दिया था। तो ये रहा मेरा हल्दी का मेकअप आज का। और हल्दी के दिन तो ऑब्वियसली सब पीले पीले ही पहनते हैं, तो उसको मैं यहाँ कर रही हूँ मेकअप। और आप बताना कि मेकअप कैसा लगे आपको, क्योंकि मैं अभी आपको फाइनल मतलब लुक दिखाऊंगी हल्दी का, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा था। और हर कोई को अपनी अपनी चीज़ तो अच्छी ही लगती है, मतलब अपनी करी हुई चीज़ तो अच्छी ही लगती है, लेकिन आप बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, दुल्हन को रेडी करने के बाद फिर हम होंगे रेडी, क्योंकि पहले अगर हम पोता पोती कर लेंगे तो फिर मुझसे तो किसी के लाइनर भी लगने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले ये देखिए दुल्हन को रेडी कर दिया है पूरा, इसको रेडी करने के बाद ही मैं करूँगी मेकअप मेरा। मेरा तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही पोता पोती कर लेंगे, ज़्यादा तो दुल्हन को ही लगता है क्योंकि सबका फोकस दुल्हन पर रहता है। तो यहाँ ये देखिए सारे जुगाड़ू काम है हल्दी का, क्योंकि इनके हल्दी फंक्शन रखने का था नहीं, तो फिर भैया ने मना कर दिया था, मतलब दुल्हन के भैया, मैं भी भैया ही बोलती हूँ उनको, तो भैया ने तो क्या मना कर दिया था हल्दी फंक्शन नहीं रखेंगे, लेकिन मैंने ही ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं भैया हल्दी फंक्शन तो रखो, क्योंकि अब तो हर जगह रखने लग गए हैं। तो फिर यहाँ अर्जेंटली फिर पर्दा बुलाया, मतलब 2 दिन पहले ही डिसाइड हुआ था जिस दिन मैं माता जी पूजन में आई थी उस दिन, तो फिर टेंट वालों से पर्दा मंगवाया, लेकिन हमें क्या टेबल नहीं मिल पा रही थी, जो दूल्हा दुल्हन बैठे हैं ये टेबल नहीं मिली थी, तो फिर हमने जुगाड़ लगाया 3 कैरेट, मतलब मैंने जुगाड़ लगाया 3 कैरेट मंगवा लिए बाजार में से, और उनके ऊपर बस चद्दर वज्जर बिछा दी पीली कलर की, तो ये हो गया हमारा जुगाड़। और जहाँ पर थाली पड़ी है वहाँ पर भी मेरा ही कुछ जुगाड़ था, लेकिन फिर भी जुगाड़ू से भी हो गया था, बहुत अच्छा फंक्शन हो गया था। मैंने सोचा था अच्छा इन्जॉय करेंगे इसको हल्दी फंक्शन को, और मतलब फंक्शन रखने का था नहीं है, तो फिर अर्जेंटली ये जैसा हुआ ठीक था, क्योंकि भाइयों के सबके फ़ोटो भाभीयों के इसमें आ जाएंगे, बाकी तो क्या है कोई साथ में रह के गाँव में ऐसे फ़ोटो खिंचाता नहीं है, मतलब दूल्हा दुल्हन के पास में हस्बैंड वाइफ, मतलब भैया भाभी कोई खिंचाएगा नहीं फ़ोटो। तो मैंने सोचा था ऐसे अगर हल्दी फंक्शन रख लोगे तो सबके मतलब कपल के फ़ोटो आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ही शुरुआत कर दी थी हल्दी की लगाने की रस्म की, तो उसके बाद में मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने लगा दी हल्दी, मतलब दूल्हा और दुल्हन को, ये दोनों भाई बहन ही है, मैंने पहले भी बता रखा है। और उसके बाद में फिर मेरी फ्रेंड आई थी अकेली, तो फिर मैंने उसका बोला कि नहीं तू तेरे हस्बैंड के साथ में आएगी, तो उसको मैंने अभी मतलब बुलाने भेज दिया है जीजू को। और यहाँ देखिए ये रहे दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा। तो और हमारा जुगाड़ू हल्दी का फंक्शन कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप कमेंट करना भूल जाते हो। और ये वीडियो काफ़ी दिन पुराना है तो आपको लेट मिल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में यहाँ शादी थी तो फिर मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपको कि जो चीज़ जहाँ की है वहाँ दिखा नहीं पाई, उस दिन मैं दिखा नहीं पाई आपको, लेकिन फिर भी अब दिखाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद में ये रही मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद में ये उसके हस्बैंड जी यहाँ लगा रहे हैं हल्दी, और मैं भी मेरे मोबाइल में बना रही हूँ वीडियो। मुझे तो पता भी नहीं है कौन बना रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ सब इन्जॉय में ही थे, पता नहीं मुझे किसने पकड़ रखा था मेरा मोबाइल। और ये देखिए यहाँ पर भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी लग गई थी गाँव के हिसाब से। और उसके बाद में यहाँ ले जा रहे हैं क्लोजअप, दूल्हा के अलग दुल्हन के अलग ले जा रहे हैं, और मतलब जैसा भी था अर्जेंसी था, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा क्या, मतलब हमारा जुगाड़ू हल्दी कैसी लगी आपको। और गांव के हिसाब से मुझे तो बहुत ठीक लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी, तो मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी। उसके बाद में ये रहे हमारे कुछ फ़ोटो भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पर, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी नहीं जानते हो तो मैं बोल देती हूँ या नीचे मेंशन कर दूँगी, आप जाके देख लेना, क्योंकि हल्दी फंक्शन के सारे फ़ोटो वहीं मिलेंगे आपको इंस्टा पर, क्योंकि यूट्यूब पर तो इंस्टा के फ़ोटो पोस्ट नहीं हो पाएंगे, फ़ोटो पोस्ट इंस्टा पर ही होते हैं, तो आप वहाँ जाके देख लेना, मैं आईडी यहाँ नीचे मेंशन कर दूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने मतलब हमने सबने दूल्हा दुल्हन के क्लोजअप लिए। तो बस इस वीडियो को यहीं कर देते हैं एंड, क्योंकि हमने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया और डांस भी चल रहा था, शायद डांस करने वाले भी बुलाए थे लेकिन मैं उनका वीडियो नहीं ले पाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।